हेलो फ्रेंड्स, मारवा रेसिपीज डॉट कॉम में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाने जा रही हूँ और आज हम बनाएंगे बचे हुए चावल से एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी, जो कि अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है, कभी सुबह के चावल बच जाते हैं या कभी दोपहर में बच जाते हैं या शाम को बच जाते हैं। तो हम किस तरीके से बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता तैयार करते हैं, तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने लिए हैं ये चावल है और मैं यहाँ पे दोपहर में बनाने जा रही हूँ। मैंने ये मॉर्निंग में बनाए थे चावल है, आप देख सकते हैं। मैंने एक कटोरी लिए है, आप कोई भी चावल ले सकते हैं, लेकिन मोटे चावल रहते हैं तो बहुत ही टेस्टी नाश्ता हमारा तैयार होता है। आधी कटोरी मैंने चावल का आटा लिया है और इसी कटोरी में आप देख सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। मैंने एक कटोरी लिया है तो यहाँ पे आधी कटोरी चावल का आटा लिया है। एक छोटी साइज की प्याज ली है, इसे हमने बारीक काट लिया है। दो मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची ली है, इन्हें भी एकदम बारीक काट लिया है। आधी चम्मच हमने नमक लिया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमने चावल में नमक ऐड किया है। और यहाँ पे आधी चम्मच जीरा लिया है और एक चुटकी हमने हींग ली है और थोड़ा हमने ऑयल लिया है। अब हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये जो चावल है इन्हें हम डालेंगे, कोई भी बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, बड़ा सा आटा डालेंगे। हम सारी चीज़ें डाल देंगे, प्याज, हरी मिर्ची, जीरा भी डाल दिया है, हींग डाल दी है, नमक, सारे मसाले हमने डाल दिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने ये सारी चीज़ें मिक्स कर ली है और आटा हमारा देखेंगे, हमने अभी पानी ऐड नहीं किया है। यहाँ पे हम पानी का यूज़ करेंगे, पानी हमें बहुत कम यूज़ करना है, थोड़ा थोड़ा ही डालें। इस तरीके से इसका हम कड़ा सा आटा लगा लेंगे। तो देखिए, हमने एक कड़ा सा आटा लगा के तैयार कर लिया है और यहाँ पे हम इसे चिकना लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेंगे हाथ में। आटा जो होता है लास्ट में चिपकने लगता है, तो हम इस तरीके से आटे को चिकना कर लेंगे ऑयल लगा के। ये देखिए, काफ़ी अच्छा हो गया चिकना हमारा आटा। थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे रख देंगे। आटे को हमने 2 से 3 मिनट रख दिया था और अब हम यहाँ पे हाथ में ऑयल लगा लेते हैं, इस तरीके से चिकना लेते हैं। और ये जो हमारा आटा है इसको इस तरीके से हम चिकना लेते हैं, कि आप जितने भी अपने हिसाब से लोइयाँ बना सकते हैं, बड़ी लोई, छोटी लोई। यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ की बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, इसी तरीके के हम बाकी लोई भी तैयार कर लेंगे। हमने सारी लोइयाँ बना ली है, इतने आटे में हमारी 4 लोई बन के रेडी हुई है। यहाँ पे हम वापस से हथेली में ऑयल लगाएंगे इस तरीके से, और इसे हम इस तरीके से लोई को हमने ले लिया है और इसे गोल 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 घुमाते जाना है। ये देखिए, और इस तरीके से हम हल्के हाथ से दबाते हुए हल्के हाथों से दबाना है। बस इसी साइज के हमने तैयार कर लिए, ये हमारी रोटी तैयार हो गई है। और हमने तब तक गैस ऑन कर दिया है और तवा हमारा गर्म हो रहा है, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तवा हमारा गर्म हो चुका है, इस तरीके से हीट आ रही है, हम हाथ से चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे तवे के ऊपर। आप कोई भी तवा ले सकते हैं और ये जो रोटी है हमारी इसे हम डाल देंगे और इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। हमने इसे लो फ्लेम रखा है और यहाँ पे हम पलट देंगे। ये देखिए, काफी अच्छी सिक रही है हमारी रोटी, लो फ्लेम पे बहुत ही अच्छी पकती है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा आया है।
जब भी रोटी हम पलटते हैं तो इस तरीके से कोई भी चमचे को आप यूज़ करते हैं तो उसमें ऑयल लगा ले। हम वापस पलटेंगे, ये देखिए, और इस तरीके से हम दबाते हुए अब यहाँ पे बारी आ गई है हमारा ऑयल लगाने की। हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे, अगर आप कम पसंद करते हैं तो ना लगाएं। वापिस पलटेंगे, ऑयल लगाएंगे और इसको दबाते हुए हम ऑयल लगाएंगे ताकि अच्छे से पक जाए। रोटी हमारी अच्छे से सिक चुकी है और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छी बनी है और हम इसे इस तरीके से निकाल लेते हैं। बाकी इसी तरीके से हम और भी रोटियां तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी रोटी बन गई है और इसी तरीके से हमने सारी रोटियां बना ली है और अब इंतजार करते हैं थोड़े ठंडे होने का। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे बचे हुए चावल से नाश्ता बनके रेडी हो चुका है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये जो नाश्ता बनाया है। इसे हम दही के साथ खा सकते हैं और हम इसे ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ खा सकते हैं, जो आपका पसंदीदा कोई भी चटनी हो उनके साथ आप इन्हें खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगते हैं, आप इसे ज़रूर बनाएं और अक्सर आपके साथ भी ऐसा होता होगा। तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, आप इसे बनाकर बताएं, कमेंट करके बताएं आपको ये कैसी लगी है। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि आपको और भी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने को सीखने को मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स एक नई रेसिपीज के साथ। हैप्पी कुकिंग।